गोपी जना वल्लभा जय गिरीवरधारी जय गिरीवरधारी। गोपी जना वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी। यशोदानंदना जय ब्रजजन रंजन जय ब्रजजन रंजन। यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी। यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्योदरक्ष श्रीमदिस् डिवाइन ग्रेस श्रील भयचरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विविध संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक्ष श्रीमदिस् डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की
गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, ताई गौर प्रेमानंदी, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 20. प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयः विदुः सह एव साधुषु कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतम्. प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्. प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्. प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्. Matajis. प्रसंगम आसक्ति, अजरम प्रबल, पाशम बंधन, आत्मनः आत्मा का, कवयः विद्वान पुरुष,
विदुः जानते हैं, सह एव वही साधुषु भक्तों में कृतः प्रयुक्त मोक्ष द्वारम मुक्ति का दरवाजा अपावृतम खुला हुआ। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि पदार्थ के लिए आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। अतः चेतना आसक्ति की अभिव्यक्ति का पटल है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना में परिवर्तित कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि वह इच्छा विहीन हो सके। जीव में संभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के पास कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसको संतान नहीं होती, तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, अतः इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को श्री भगवान में या उनके भक्तों में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवनी के ऊपर चैतन्य चरितामृत के अंत लीला से हम चर्चा आरंभ किए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं कि वो हर प्रकार के भौतिक जंजाल से मुक्त होकर, हर प्रकार के भौतिक उत्तरदायित्वों के श्रृंखलाओं से मुक्त होकर महाप्रभु के चरणों में ही पूर्णरत रहना चाहते हैं। लेकिन महाप्रभु ने उनको कहा, स्थिर होइया घर जाओ न हाओ बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। उचित समय आने पर आप अपने इस वैराग्य की इच्छा को पूर्ण करोगे, अभी आप घर पर जाओ। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतीक्षा कर रहे थे और उनको समाचार प्राप्त हुआ कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट के आए वृंदावन दर्शन करने के पश्चात। तब फिर उन्होंने योजना बनानी आरंभ की और तब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनको नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए पानीहटी में, और नित्यानंद प्रभु ने पानीहटी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद होने के नाते रघुनाथ दास गोस्वामी को वैष्णवों की सेवा में नियोजित किया। किस प्रकार? चीड़ा दही महोत्सव के आयोजन से सभी वैष्णवों के बीच चीड़ा और दही जो है, जो कि बड़ा ही सरल पदार्थ है, इतना जटिल या महंगा पदार्थ नहीं, उसे बनवाकर सभी वैष्णवों को संतुष्ट करने का आदेश किया और
उसके परिणाम स्वरूप सभी वैष्णवगण जो वहाँ उपस्थित थे पानीहाटी में, बड़े प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, आनंदित हो गए और सभी लोगों ने आशीर्वाद प्रदान किया। तो दिन के समय चीड़ा दही महोत्सव आयोजित किया गया, संपन्न हुआ और संध्याकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे लेकिन नित्यानंद प्रभु जहाँ पर महाप्रभु को अपने आवेश से बुला लेते, निमंत्रण देते, महाप्रभु वहाँ प्रकट हो जाते। तो संध्याकालीन नित्यानंद प्रभु और सभी वैष्णवगण राघव पंडित के घर पर गए और श्री राघव पंडित के घर पर भी एक बहुत विशाल महोत्सव आयोजित किया गया था जिसका वर्णन यहाँ पर आगे होता है। राघव ठाकुरेर प्रसाद अमृतेर सार महाप्रभु यहाँ खोईते ऐसे बार बार। तो राघव पंडित के घर पर राघव ठाकुरेर प्रसाद अमृतेर सार, तो राघव पंडित और उनकी पत्नी दमयंती जी नित्यानंद प्रभु और सभी वैष्णवों के लिए इतने प्रेम से इतना सुस्वादु व्यंजन तैयार किए तो उसका वर्णन आ रहा है राघव ठाकुरेर प्रसाद अमृतेर सार, वो अमृत का सार था। और महाप्रभु जहाँ खाएते उसको प्राप्त करने के लिए महाप्रभु ऐसे बार बार बारंबार वहाँ पर प्रकट होते थे, आते थे आकर्षित होकर। कत उपहार आने के हा नहीं जानी राघव घोरे रांधे राधा ठाकुरानी। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राघव पंडित के घर पर कितने विविध प्रकार के व्यंजन बनते हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं। कत उपहार आने हे न नहीं जानी, इसका वर्णन मुझसे संभव नहीं हो सकता। और इतना ही हम कह सकते हैं कि इतनी असीमित मात्रा में अद्भुत प्रकार से इतने दिव्य व्यंजनों को अगर कोई तैयार कर रहा हो तो ये तभी संभव है जब राघवे रघोरे रांधे राधा ठाकुरानी, कि श्रीमती राधारानी स्वयं राघव पंडित के घर पर भोजन तैयार कर रही हो। अन्यथा इतनी विविधता, इतना स्वाद, इतना वैशिष्ट्य किसी भौतिक जगत के व्यक्ति के लिए संभव नहीं। और क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी को भी वरदान प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। दुर्वासा रठाईते हो पाया छे बर अमृत होइते पाक तार अधिक मधुर। दुर्वास मुनि जब आए थे ब्रज में तो उनके लिए भोजन कौन तैयार करे, सभी लोग बड़े भयभीत थे क्योंकि दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। अगर कोई भी उनके सत्कार में, उनकी सेवा में कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो तो दुर्वासा मुनि सीमा पार क्रोध को प्रकट करके उस व्यक्ति को अपने क्रोध के अग्नि से किस क्षण भस्मीभूत कर दें इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए दुर्वासा मुनि न केवल अपने विभिन्न प्रकार के योग शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं लेकिन अपने ज्वालामुखी की भांति जाज्वल्यमान क्रोध के लिए भी बड़े ही प्रसिद्ध हैं। इसलिए जैसे ही दुर्वासा मुनि प्रकट हुए ब्रज में तो उनकी सेवा कौन करे ये बहुत बड़े चर्चा का विषय बन गया। क्योंकि यदि दुर्वासा मुनि को कोई पसंद नहीं आया भोजन तो सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे किसने बनाया और फिर उसकी खैर नहीं। तो फिर इसलिए श्रीमती राधा रानी को आगे किया गया और क्योंकि श्रीमती राधा रानी इतने प्रेम से उन्होंने भोजन तैयार किया, दुर्वासा मुनि जिनको प्रसन्न करना बड़ा कठिन है क्योंकि अम्बरीश महाराज को अनुभव है कि बिना खिलाए ही वो गर्म हो गए,
केवल थोड़ा सा जल प्राशन कर लिया और वो भी शास्त्रों के नियम के अनुसार था, लेकिन फिर भी उनको वो बात खटक गई। इसलिए जब दुर्वास मुनि ने उस प्रसाद को स्वीकार किया, दुर्वासार ठाई ते हो पायाछे वर, तब दुर्वास मुनि बड़े प्रसन्न और तृप्त होकर श्रीमती राधारानी को आशीर्वाद देते हैं। अमृत होइते पाक तार अधिक मधुर, कि आपके हाथों जो कुछ भी तैयार हो वो अमृत से भी अधिक मधुर होगा। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने उनको आशीर्वाद किया था, तो उसी को यहाँ पर इंगित कर रहे हैं। सुगंधी सुंदर प्रसाद अमृते रसार माधुर्य रसार, दुई भाई आहा ताया संतोष अपार। तो उस प्रसाद का वर्णन किया जा रहा है, सुगंधी सुंदर प्रसाद माधुर्य रसार। वो प्रसाद न केवल सुगंधित था, दिखने में बड़ा सुंदर और आकर्षक और बड़ा ही मधुर या सुस्वादु। और केवल जैसे ही राघव पंडित के घर पर भोजन बनकर वो ठाकुर जी को भोग लगाते थे, उस समय उस भोग को स्वीकार करने के लिए दुई भाई ताहा खाइया, उसको स्वीकार करने के लिए गौर और निताय दोनों प्रकट हो जाते, संतोष अपार, और वो बड़े प्रसन्न हो जाते। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु तो साक्षात उस दिन विद्यमान थे, लेकिन जैसे ही भोग लगा और तुरंत पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ गुप्त रूप में प्रकट हो गए और संतुष्ट हो गए उस प्रसाद को प्राप्त करके। और तब सभी भक्तों ने उस प्रसाद का सेवन किया, हजारों की संख्या में व्यंजन तैयार किए गए थे, और उसको प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त करके सब संतुष्ट हुए। तो दोपहर में एक बहुत बड़ा फीस्ट हुआ, शाम को फिर एक बहुत बड़ा फीस्ट हुआ। नित्यानंद प्रभु अपने सभी भक्तों के बीच रहकर केवल उत्सव के ऊपर उत्सव मनाया करते थे। इसीलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं, परम करुणा पाहु दुई जन निताय गौरचंद्र, सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। अर्थात ये मार्ग बड़ा ही उल्लास प्रदान करने वाला है, जटिल नहीं सरल है, इसमें किसी प्रकार के विशेष योग्यता या कलाओं की आवश्यकता नहीं। केवल अपने मिथ्या अभिमान को चूर कर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्य सभी वैष्णव भक्तों के साथ मिलकर जब भगवान का नाम लें, कीर्तन करें, शांति से बैठकर श्रवण करें, और तत्पश्चात भूख लगे तो सब मिलकर प्रसाद प्राप्त करें, ये मार्ग वास्तव में बड़ा सरल है। लेकिन क्योंकि हमारे सोचने विचारने की ताकत जटिल है और सरल नहीं, इसलिए समस्या उत्खड़ी होती। तो यहाँ वर्णन करते हैं, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने निकट बुलाकर कहते हैं कि देखिए, आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा है, तो इसके लिए सबसे सुगम और सरल मार्ग आपको हम बताएंगे। क्या? कोहिला चैतन्य गोसाई कोरिया छेन भोजन, तार शेष पायले तोमार खंडिला बंधन। आप महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो अभी ये जो महाप्रसाद आपको दिख रहा है, चैतन्य गोसाई करियाछिन भोजन, महाप्रभु स्वयं इसका सेवन किए हैं, और इसलिए तार शेष पायले तोमार खंडिला बंधन। अगर इसका अवशेष आप प्राप्त कर लो तो आपके हृदय के भीतर जो भौतिक बंधन है, जंजीर हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, वो तत्क्षण कट जाएंगी।
तावत् रागादयस्तेना यावत् कारगृहं गृहं यावत् मोहोंग्र निगडो तावत् कृष्णन ते जनाः। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि दिखने के लिए तो ब्रजवासी सामान्य गृहस्थ लगते हैं, जो इस जगत के सामान्य कार्यों में लगे हुए हैं। ब्रज भी तो एक सामान्य ग्राम की तरह लगता है। भारत में लगभग 6.5 से 7 लाख गांव हैं। तो ब्रजभूमि वृंदावन गोकुल बाकी अन्य गांवों से भिन्न कैसे है? हर गांव में गायें हैं, खेत हैं, किसान हैं, दूध दही मक्खन इत्यादि से संबंधित व्यापार चलते हैं। कृषि और गोरक्ष तो सामान्य बातें हैं जो भारत के कोने कोने में हर गांव में दृष्टिपात होती है। तो इसके भगवान श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन में जो कार्य किए उसमें भिन्नता क्या है? तो कहते यावत रागादयस्तेनाह यावत कार गृहम गृहम यावत मोहोंग्र निगड़ो तावत कृष्णन तेजनाह, कि ब्रजवासियों में और बाकी अन्य जितने सामान्य जीव हैं उनके कार्यों में कोई बहुत बड़ी भिन्नता नहीं है। उनके गतिविधियों में और उनके सांसारिक उत्तरदायित्वों में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी भिन्नता नहीं है। चर्म चक्षुओं से देखो तो सामान्य ही लगेगा, क्योंकि भक्ति कर्मों के ऊपर आधारित नहीं, चेतना के ऊपर आधारित है। और इसलिए ब्रजवासी कोई सामाजिक दृष्टिकोण से सन्यासी नहीं थे, वो घर गृहस्थी वाले थे। रागादय स्तेनाह, लेकिन उनका राग, उनकी आसक्ति किसके प्रति थी? अपने अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं, कृष्ण को संतुष्ट करना। इसलिए जो कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास छोड़कर स्वयं की अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं के ज्वालामुखी में प्रविष्ट होता चला जाता है, बहुत ही शीघ्र वो इस भौतिक जगत में भस्मीभूत हो जाएगा। इसलिए स्तेनाह अर्थात ये भौतिक इच्छाएं चोर की तरह, स्तेन की तरह हमारी चेतना को चुरा लेती हैं। ताबत कार गृहम गृहम, और जिस घर में भगवान श्री कृष्ण को केंद्र न बनाया जाए वो गृहम कार गृहम बन जाता है, अर्थात वो घर जेल की तरह बन जाता है। तावत मोहोंग्र निगड़ो, और जो व्यक्ति अपने ही घर गृहस्थी के कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को ही प्रधान और केंद्र मानकर चलता है और योजनाएं बनाता है, तो ये मोह कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं केंद्र बिंदु हूँ, ये उनके चरणों में बेड़ियों की तरह भौतिक जगत में उसे बांध देती है। ब्रजवासियों के मन में भाव क्या था? कृष्ण ही हमारे सेवा के केंद्र हैं, हम नहीं। कृष्ण जैसी योजना बनाए उसकी योजना के अनुसार हम अपनी योजना को परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। तो वास्तव में वो कृष्ण के प्रति अपने सहज स्वाभाविक प्रेम के कारण मोहित थे। इसलिए ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहजे प्रीति गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। तो ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति एक सहज प्रेम था, अनुराग था। कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति भी वैसे ही स्वाभाविक आदान प्रदान करते हुए भाव था। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासियों के अहो भाग्य को देखो कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिसे विष्णु के रूप में सभी 33 कोटि देवतागण सम्मानित करते हैं, पूजा करते हैं, वही ब्रजवासियों के साथ एक सहज स्वभाव व्यक्त करते हुए प्रेमालाप कर रहे हैं, उन्हें पारिवारिक सदस्य का अपना अभिन्न अंग बनाकर। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन आया है
कि अपने इस भौतिक बंधन को, इस जंजीर को नष्ट करने के लिए केवल भगवान को अपने परिवार का एक अभिन्न अंग बना लें, अर्थात ये भक्ति की सरलता है। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम किसी को छोड़ें, भक्ति का अर्थ है कि अपने जितने पारिवारिक सदस्य हैं उन सदस्यों में एक और व्यक्ति को जोड़ें, वो है कृष्ण, या और दो व्यक्ति को जोड़ें, कौन, गौरनिताय, या और तीन व्यक्ति को जोड़े, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो अर्थात अपने परिवार में केवल कृष्ण को जोड़ने मात्र से कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, केवल कृष्ण को संसार में जोड़ लिया, कृष्ण के संसार में हम सम्मिलित हो गए, तो फिर अपने आप ये सारे श्रृंखलाएं नष्ट हो जाती हैं। कंगाले र भोजन रंग देखे गौर हरी, हरी बोल बोली तारे उपदेश करी। महाप्रभु ने गोविंद को बालागंडी में सभी दीनहीन क्षुधा पीड़ित जीवों को प्रसाद वितरित करते हुए देखकर कहा कि केवल प्रसाद मत बांटो, आज भूख के कारण जो समस्या है वो एक प्लेट प्रसाद खाकर भूख की समस्या दूर होगी, लेकिन कल व्यक्ति फिर भूखा आएगा। इनके भव रोग को नष्ट करने के लिए क्या करना है, जीव कृष्णदास ए विश्वास कोरले आर दुख नाय। जब तक इनके हृदय में मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं ये परिकल्पना प्रकट नहीं होती, तब तक उनके जीवन की समस्याएं निरंतर चलती चली जाएंगी, और जो भी दान का कार्य कर रहे हो उसमें कमी बनी रहेगी। इसलिए महाप्रभु ने प्रताप रुद्र महाराज को वहीं जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में दशम स्कंद भागवत से गोपी गीत सुनाते हुए सुना, तो महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे के तुमी कोरिला मोरहित, अचंबितयासी पियाओ कृष्ण लीलामृत। अरे आप कौन हो कि आप इतना बड़ा दान का कार्य कर रहे हो, मुझे कृष्ण कथा सुना रहे हो, भूरिदा भूरिदा आप पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े दानशूर व्यक्ति हो, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि दान अर्थात ऐसा कोई कार्य जिससे दूसरे की पीड़ा दूर हो। तो इसलिए जब कृष्ण के साथ अपने नित्य शाश्वत सानिध्य और संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त हो, जो व्यक्ति इस जानकारी को दिलाने में सहायक बने, निमित्त बने, वो वास्तव में सबसे बड़ा दानवीर व्यक्ति है। इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये ज्ञान दूसरों को दे ये वास्तव में सबसे बड़ा दान का कार्य कर रहा है। इसलिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पर कहते हैं, कोहिला चैतन्य गोसाई कोरिया छेन भोजन, तार शेष पाइले तुमार खोंडिला बंधन। उस अवशेष को, महाप्रभु के महाप्रसाद को अगर आपने प्राप्त कर लिया, तार शेष पाइले तुमार खोंडिला बंधन, तो दो प्रकार के अवशेष हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो स्पर्शीभूत हो अर्थात भोजन, वो हमारे बंधन को खंडित करेगा, और दूसरे जो श्री कृष्ण और महाप्रभु के मुखारविंद से प्रसारित वाणी हो, वो वाणी भी हमारे भव बंधन के नाश का कारण बनेगा। इसलिए भगवान के मुख से प्रसारित, उनके मुख से संबंधित, उनके मुख से स्पर्श करता हुआ कोई भी वस्तु हमारे भव बंधन के नाश का कारण बनता है। भक्त चित्ते भक्त गृहे सदा अवस्थान, कभो गुप्त कभो व्यक्त स्वतंत्र भगवान। तो यहां कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन के पीड़ा को दूर करने के लिए तत्पर बने रहते हैं। इसलिए परमात्मा
जो है गर्भोदक्षाय विष्णु की तरह सोए नहीं रहते, क्षीरोदक्षाय विष्णु खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति सेवा के लिए तत्पर हो, वो निद्रा के आसन को धारण करके नहीं कह सकता कि मैं सेवा के लिए तैयार हूं। बताओ कौन सी सेवा देते हो? उसकी मुद्रा को देख के ही आदमी समझ जाएगा कि ये तो बिल्कुल सेवा से दूर भागना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। इसलिए सेवा के लिए तत्पर व्यक्ति खड़ा रहता है। इसलिए परमात्मा भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके यूं तत्पर खड़े रहते हैं कि हम कैसे आपकी सेवा कर सकें। एक बार मैं प्रोग्राम के लिए जा रहा था तो एक बहुत बड़ा पोस्टर देखा पिक्चर का, हीरो के चेहरे से बिल्कुल खून निकल रहा था, पीछे बड़े बड़े ट्रक जो है विस्फोट हो रहे थे, उसके हाथ में बंदूक था, चारों तरफ से भीषण आक्रमण के चिन्ह लक्षित परिलक्षित हो रहे थे, केवल हिंसा ही हिंसा का वो दृश्य था। और पिक्चर का नाम लिखा था परमात्मा। तो मैंने कहा शास्त्र में परमात्मा का कितना ही शांत और शाश्वत स्वरूप व्यक्त है, तब तो जाकर हमारी अशांति को दूर कर सकते हैं। हम अपनी अशांति की अवस्था में खोजते रहते हैं कि कौन हमारी इस अशांति को दूर करे, है कि नहीं? तो इसलिए तो है। एक और बार मैं लोकल ट्रेन में जा रहा था बहुत वर्ष पहले किसी प्रोग्राम में, तो वहां पर देखा बहुत बड़ा एडवर्टाइज लगा था, उसमें लिखा था तुम्हारा सच्चा साथी, और क्या लिखा था, गाय छाप तंबाकू। तो वास्तव में हमारे सच्चे साथी कौन है? उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा। वो निरंतर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जीव एक क्षण के लिए उनकी ओर अपनी दृष्टिपात करे और याचना करे कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए। वो तो तत्पर हैं, तैयार हैं, क्षण भर में आ जाएंगे हमारी सहायता करते हुए। इसलिए भक्त चित्ते, अर्थात भक्त के चित्त में। तो अगर आप कहो कि मुझे तो अपने चित्त के भीतर परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना असंभव लगता है, भक्त गृहे, आपके घर पर आपके अर्च विग्रह के रूप में वो प्रकट होकर आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके घर के वो मालिक बन जाएंगे। सदा अवस्थान, निरंतर वो अवस्थित रहते हैं, कभो गुप्त कभो व्यक्त स्वतंत्र भगवान। कभी वो गुप्त रहेंगे, कभी वो व्यक्त होंगे, वो स्वतंत्र हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो निरंतर प्रयत्नशील रहे और कभी विभिन्न प्रकार के पीड़ा और घनघोर समस्याओं की मूसलाधार वर्षा के बीचों बीच कभी वैष्णव भक्त को लगना नहीं चाहिए कि क्या भगवान अभी भी मेरे हाथ को पकड़ के चल रहे हैं कि नहीं, लगता तो नहीं। गिरयो वर्षधाराभिर हन्यमानान विव्यथु अभिभूयमाना व्यसन यथा अधोक्षज चेतस। जब पर्वतीय चट्टानों के ऊपर वर्षा ऋतु के समय मूसलाधार वर्षा होती है, उस वर्षापात के आक्रमण से ऐसा प्रतीत होता है मानो वो संपूर्ण पर्वतीय चट्टान फूटकर विदीर्ण हो जाए, लेकिन वास्तव में उस वर्षापात के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जितना धूल धूसर इत्यादि प्रदूषण उस चट्टान के ऊपर जमा हुआ होता है कितने महीनों से, वो सारा धूल वहां से पिघलकर निकल जाता है, समाप्त हो जाता है, और वही पर्वतीय चट्टान चारों दिशाओं में अलंकृत करते हुए बिल्कुल आकर्षक लगने लगता है, चमकने लगता है। उसी प्रकार जब जीवन में भगवान चुनौतियां भेजते हैं, महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेत मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर, तो ऐसे महान विपत्ति के आक्रमण के समय जब हम भगवान का जब चिंतन करते हैं, महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेत मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति, उसकी वो विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाती है। इसलिए यहां पर कहते हैं
सर्वत्र व्यापक प्रभु सदा सर्वत्र वास, इहाते संशयार से जाय नाश। अगर भगवान के सर्वत्र विद्यमान होने के इस तत्व के संबंध में किसी ने अपने मन में शंका करने का दुस्साहस किया, चेतावनी देते हैं कविराज गोस्वामी भी अपने मधुर कथाओं के जो मधुर कथाओं के प्राकट्य के बीच श्रोताओं को जागृत करने के लिए चेतावनी देते रहते हैं और ऐसे तत्वबोध से संबंधित चेतावनी अब दे रहे हैं कि अगर यदा कदाचित किसी कारणवश आपके मन में शंका उठी कि क्या भगवान वास्तव में सर्वत्र विद्यमान है, क्या सर्वत्र व्यापक प्रभु सदा सर्वत्र वास, वो सर्वत्र सर्वत्र सभी जगह उनका निवास है, इहते संशय जार सही जाय नाश, ऐसे संशय करने वाले व्यक्ति का विनाश निश्चित है। तो इसलिए यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु के आदेशानुसार वैष्णवों को संतुष्ट करके उनके आशीर्वाद के सहभागी बनते हैं, तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु और परोक्ष रूप से महाप्रभु के सानिध्य में बहुत ही सुंदर कीर्तन नृत्य करते हुए राघव पंडित के घर पर बड़े आनंद के साथ वैष्णवों के बीच संकीर्तन करने के पश्चात प्रसाद प्राप्त करते हैं, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का अवशेष भी सम्मिलित था। तो इस प्रकार वैष्णव सेवा, हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद सेवन, इस सरल प्रक्रिया के माध्यम से उनके आगे के इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर प्रकार की व्यवस्था हो जाती है। अलिबाण ज्योतिषक स्तब्धिभूत किमेक कह, प्रेषित प्रेषक सर्वे सदेते सेवकाधमाः। तो वर्णन आता है कि भगवान श्री विष्णु के ऊपर, भगवान श्री विष्णु एक बार निद्रा में व्यस्त थे, सो रहे थे, उस समय एक असुर उनके ऊपर आक्रमण करने आए और जब आक्रमण करने आए, अभी भगवान सो ही रहे थे, अचानक उनके नासिका से एक सेविका प्रकट हुई और उस सेविका ने तुरंत उस असुर का विध्वंस कर दिया। तब भगवान जागृत हुए और उस सेविका को देखकर कहते हैं, अरे मेरे बिना संकेत करने से पूर्व आपने पहले ही इस सेवा को संपन्न कर दी और इस असुर को नष्ट कर दिया। भगवान उस सेविका के प्रति बड़े प्रसन्न हुए और क्योंकि वो 11वें दिन ये लीला हुई इसलिए उनको नाम दे दिया एकादशी। तो सेविका का नाम है एकादशी देवी, भगवान के सबसे उत्कृष्ट वैष्णवी भक्तों में से हैं। और उनकी विशेषता क्या है कि भगवान उनको संकेत करने के पहले वो समझ गए कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए अभी मुझे क्या करना है। तो इसलिए शास्त्र में 6 प्रकार के अधम सेवकों का वर्णन आता है। अधम सेवक अर्थात लो क्वालिटी सर्वेंट। 6 प्रकार कौन से हैं? पहला अली। अली का अर्थ क्या है? अली का अर्थ होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी की विशेषता क्या है कि उसको एक जगह अपन पकड़ नहीं सकते, वो भ्रमर, उसकी ध्वनि बड़ी आकर्षित होती है, आकर्षक होती है, लेकिन भ्रमर को एक जगह अपन खड़ा नहीं कर सकते, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे घूमता रहेगा। तो अली अर्थात वो जो बिल्कुल हमेशा ही चंचल रहे। तो पहला सेवक होता है अली की तरह, भ्रमर की तरह चंचल, अर्थात अभी उसको ये सेवा दो
तो कब तक वो करेगा? कोई भरोसा नहीं, जब तक उसको ठीक लगेगा वो करेगा। फिर अचानक केवल सेवा दिखेगी, सेवक गायब। तो इसीलिए अली बाणों, दूसरा सेवक अधम सेवक, उसकी विशेषता क्या है? बाण की तरह होता है। बाणों, बाण की दो विशेषता होती है। बाण को एक बार रिलीज कर दिया जाए, छोड़ने के पश्चात जिस योद्धा ने उस बाण को छोड़ा है, छोड़ने के बाद फिर वो उसको वापस नहीं बुला सकता कि आजा भाई, वापस आजा, वापस आजा। वैसे ही बाण अर्थात एक बार छूट गया तो बिल्कुल निकल ही जाए। बाण एक बार धनुष से निकलता है, वापस धनुष के पास कभी नहीं आता। वैसा जो सेवक है, एक बार सेवा स्वीकार करता है, बताइए क्या सेवा है मेरे लायक। जैसे ही स्वामी ने उसको बताया, वो बाण की तरह जब छूटता है, उसके बाद जीवन भर स्वामी को दिखता ही नहीं। फिर स्वामी ढूंढता रहता, कहाँ गया यार वो, सेवा दिया था, दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा। और 10 लोगों को पूछना पड़ता है, देखा क्या उसको, कहीं देखा क्या? नहीं, वो तो बाण की तरह छू हो गया, ब्रह्मांड के किसी कोने में विलीन हो गया, ब्रह्मलीन हो गए बाणों। तो बाण की दूसरी विशेषता क्या है? एक तो गायब हो जाता है, कभी लौट के नहीं आएगा। दूसरा, बाण जब किसी को लगता है तो बड़ा चुभता है। तो ये सेवक जो है, जब कोई भी उसको सेवा दी जाती है, स्वामी अगर कहता है ये आपको करना है, तो बाण की तरह स्वामी को ही दो चार गाली मार के जाता है। तो उसके मुंह से, उसकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं, वो बाण की तरह, वो शब्द भेदी बाण उस स्वामी को भेद डालते हैं। तीसरा, ज्योतिषकः। ज्योतिषकः का अर्थ क्या है? जैसे ज्योतिषी, ज्योतिषी क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। तो ज्योतिषक का अर्थ क्या है? अगर स्वामी कहे ये सेवा करना है, वो पूछेगा कब करना है, स्वामी कहेंगे अभी करना है। वो कहता है कल करूं तो कैसा रहेगा? तो जो आज का कल करे, कल का परसों करे, पोस्टपोन करता रहे, प्रोक्रेस्टिनेट करे, उस सेवा को धक्का मारते रहे आगे आगे, ज्योतिषक है वो। केवल सेवा की परिकल्पना ज्योतिषी की भविष्यवाणी की तरह भविष्य में ही घूमती रहती है। यह है अधम सेवक का तीसरा लक्षण। अली बाणो, ज्योतिषक। चौथा, स्तब्धीभूत। स्तब्धीभूत अर्थात वो सेवक बड़े ही जोश के साथ आएगा और कहेगा बताइए सेवा क्या है, सेवा क्या है, और जैसे ही सेवा सुना, स्तब्धि, स्टन हो जाएगा, वहां झटका खा के खड़ा हो जाएगा और उसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में चला रहे मैंने तो कुछ और योजना बनाई थी, ये क्या हो गया। तो वो सेवा सुनकर इतना वो स्टन हो जाता है, तो उसको लगता है कि ये स्वामी ने स्टेन गन से मार दिया, और इसलिए स्तब्धीभूत अर्थात कंफ्यूज्ड एंड स्टन्ड। पांचवा, किम एककः। किम एककः मतलब जैसे उसको सेवा दिया जाए, ये तुम सेवा करो, वो कहेगा किम एककः, मैं ही मिला क्या अकेला, दूसरा कोई मिला नहीं। प्रभुपाद जी भुवनेश्वर में थे, उस समय गौर गोविंद महाराज अनुवाद कर रहे थे प्रभुपाद के भागवत को उड़िया में। तो प्रभुपाद पूछे कितना प्रोग्रेस हुआ, तो उन्होंने कहा बहुत, इतना ही हो पाया। तो प्रभुपाद ने कहा इतना स्लो कर रहे हो ट्रांसलेशन, फास्ट करो। उन्होंने कहा क्या करें, यहाँ पर जो है मैनेजमेंट भी मुझे करना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने कहा मैनेजमेंट और किसी को दे दो। वो बोले और किसी को दे दो मतलब मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, रेसिडेंट भी मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। तो प्रभुपाद बोले वो कौन है? बोले वो तो अब विजिट कर रहा है। तो एक भक्त जा रहा था, प्रभुपाद ने कहा उसको हम यहाँ मैनेजर बना देंगे।
तो गौर गोविंद महाराज बोले, प्रभुपाद वो तो न्यूयॉर्क से आया है, कल उसका टिकट है, वो जा रहा है। प्रभुपाद ने कहा हम उसका प्लान बदलेंगे। तो गौर गोविंद महाराज बोले आपको ही बोलना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया, वो बैठे, प्रभुपाद उनको देखकर मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट देखकर वो भक्त घबरा गए, समझ गए कुछ आ रहा है। प्रभुपाद ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम यहां पर भुवनेश्वर में रहकर यहां का मैनेजमेंट संभालो। वो झटका खाया भक्त, बोला प्रभुपाद मेरे को तो यहां पर इंडिया का क्लाइमेट जमता ही नहीं है। प्रभुपाद ने कहा लंबे समय रहोगे तभी जमेगा। तो फिर वो सोचता है अब क्या बोलूं, तो कहता है प्रभुपाद यहां का भोजन जो है वो मेरे को सूट नहीं होता। प्रभुपाद ने कहा मैं बराबर लिखूंगा कौन कौन सा आपको सब्जी खाना है, कौन सा नहीं खाना है, वो ही खाते रहो, सब ठीक होगा। फिर वो सोचने लगा अब क्या बोलूं, कहता है प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में मेरे लिए खास एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया है, मुझे जाकर उसको टेक ओवर करना है। प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, मैं दूसरे भक्त को बोलकर वहां पर न्यूयॉर्क का वो डिपार्टमेंट संभाल लूंगा, बैठो यहां पर। छोड़े नहीं, वो बोलते हैं प्रभुपाद जी जो लोकल जीबीसी है ना उसके साथ मेरा जमता ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा आज ही जीबीसी बदल दूंगा, अब बोलो क्या करोगे। वो बिल्कुल सर खुजलाने लगे, बोले यार मेरे ही पीछे लग गए और कोई मिला नहीं क्या। फिर बोलते प्रभुपाद जी मैं इतना व्यस्त रहता हूं यहां पर कि सही बताऊं मैं किसी को बताया नहीं, 16 माला मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है। न्यूयॉर्क जाऊंगा तो शांति से 16 माला तो करूंगा। प्रभुपाद ने कहा सुबह से रात तक कृष्ण की सेवा में मग्न हो, 16 माला नहीं भी करो क्या फर्क पड़ता है। अरे वाह, कई लोग पूछते कोर्ट बताओ मेरे को कहां पर है जल्दी। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा तो बेचारे वो कुछ कर नहीं पाए, वहीं पर उनको रुक कर सेवा करनी पड़ी। तो कई बार होता है जब सेवा मिलती है तो लगता है अरे किम एक कह, मैं अकेला ही मिला क्या। और फिर लास्ट कहते हैं प्रेषिता प्रेषक, प्रेषिता प्रेषक अर्थात जैसे ही सेवा मिली, जिस रफ्तार और फुर्ती से सेवा मिली उसी फुर्ती से हम दूसरे के पास पकड़ा देते हैं। प्रेषित प्रेषक, आया राम गया राम। तो इस प्रकार षड एते सेवका धम है कि नहीं। तो ये जो है श्लोक संस्कृत में है तो समझना है कि बोनाफाइड है, शास्त्र में इसका वर्णन आ रहा है। और इसीलिए इन सभी सेवकों में सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है कि उनकी योजना स्वामी और भगवान की योजना से अलग है, उसमें भिन्नता है। इसलिए भक्ति बड़ा कठिन मार्ग है, दिखने में आसान दिखता है क्योंकि कर्म के मार्ग में अहंकार के लिए स्कोप है, मैं कुछ कर दिखाऊंगा। ज्ञान के मार्ग में अहंकार के लिए स्कोप है, अपनी बुद्धि से मैं क्रांति मचाऊंगा। योग मार्ग में भी अहंकार का स्कोप है कि हम कुछ सिद्धियां प्राप्त करेंगे, कुछ कार्य में एक्सपर्ट बनेंगे। लेकिन भक्ति के मार्ग में अहंकार के लिए बड़ा स्कोप ही नहीं है क्योंकि भक्ति का मार्ग यही है कि हम अहंकार को लेकर भगवान के चरणों में उसको समर्पित करें। इसलिए दास शब्द लगाते हैं आगे। तो इसलिए एकात्म सेवक अर्थात सबसे पहला एकात्म सेवक जो होता है उसके 6 लक्षण बताए गए हैं। एकात्म सेवक मीन्स दैट सर्वेंट हुज प्लान्स आर इन सिंक्रनी इन हार्मनी विद द मास्टर। सेवक की योजना जो है वो स्वामी की योजना के साथ मेल खाती है। सबसे पहला ही सर्व्स प्रोएक्टिवली, जैसे एकादशी देवी ने भगवान के बोलने से पहले ही उनके बात को समझ के उसको संपन्न किया, सर्व्स प्रोएक्टिवली। दूसरा एकात्म सेवक प्रेडिक्ट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो कुछ भी आवश्यक हो
उसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर ले और उसको पकड़ ले। तीसरा, एन एकात्म सेवक इज डेडिकेटेड, वो पूरी तरह उस मिशन को, उस सेवा को सफल बनाने के लिए प्राणबद्ध है। उसने सोच लिया कि बस सफल हो या विफल, हमारी अर्थी उठेगी इसके साथ। डेडिकेटेड। चौथा, वन हु इज वन, हु इज वन विद द हार्ट एंड डिजायर ऑफ द मास्टर, जो स्वामी के इच्छा और योजना के साथ जिसका तालमेल हो। और पांचवा, वन हु डज एवरीथिंग टू फुलफिल दैट डिजायर, जो कि हर प्रयास पूर्ण करने के लिए तैयार हो उस इच्छा को संपन्न करने के लिए। इसलिए इसको कहते हैं परिश्रम। श्रम अर्थात एफर्ट, प्रयास। लेकिन परि शब्द का अर्थ क्या होता है, जो है परिक्रमा, अर्थात चारों तरफ जो इस मंदिर के घूमे उसको कहते हैं परिक्रमा। परिक्रमा अर्थात कोई भी कोना न छोड़े। तो परिश्रम का अर्थ क्या है, मैंने इस सेवा को संपन्न करने के लिए ये प्रयास किया, ये विफल हुआ तो कोई बात नहीं, अब हम ये प्रयास करेंगे, फिर ये प्रयास करेंगे, फिर ये प्रयास करेंगे, ये प्रयास। अर्थात परी, चारों तरफ कोई भी ऑप्शन न छोड़ना, उसको कहते हैं एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा प्लान तुरंत तैयार रहे, वो प्लान सफल या विफल होने के पहले अगला प्लान तैयार रहे। परिश्रम अर्थात प्रयत्नशील रहें, ये है सफल साधक के लक्षण। परिश्रम, जो सतत प्रयास करता रहे, उसके मन में वो केवल प्रयत्न परायण हो, प्रयास परायण हो, श्रम परायण हो, उसके मन में केवल एक ही नशा चढ़ा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो प्रयत्न करते रहेंगे, आशाबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर। तो इसलिए डज एवरीथिंग टू फुलफिल दैट डिजायर, जैसे प्रभुपाद जी लगे रहे कभी ऐसे कभी वैसे, कभी ऐसे कभी वैसे, जो कोई भी अवसर प्राप्त हो उसको संपन्न करने के लिए तैयार। तो प्रभुपाद कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, वापू एंड वाणी सेवा बोथ आर इंपॉर्टेंट। डिसाइपल इज नॉट टू कॉन्कॉक्ट डिवोशनल सर्विस बट पेशेंटली एग्जीक्यूट ड्यूटीज गिवन टू हिम बाय हिज गुरु एंड द वैष्णवास। पेशेंटली एग्जीक्यूट ड्यूटीज एंड ऑल डिजायरेबल थिंग्स विल बी अकम्प्लिश्ड सिंपली बाय फेथफुली एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस of the spiritual master. Krishna knows our desires, he will award as we perform devotional service, and both spiritual and material needs will be fulfilled by the Lord. अर्थात प्रयत्न करते रहना है इस भाव के साथ। और छठा, doesn't wait to act till instructed, प्रतीक्षा नहीं करता रहता, कार्य आरंभ करते हैं। तो इसलिए एकादशी व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादशी देवी के ऐसे गुण हैं और ये ब्रह्मांड का बहुत बड़ा नियम है कि जिस भक्त की आप सेवा करोगे और उसका संग लोगे, उस भक्त के हृदय के गुण आपके हृदय के अंदर भी प्रकाशित होंगे। ये कैसे क्या, इसको कोई समझ नहीं सकता, लेकिन प्रभुपाद जी भागवत के नष्ट प्रायशो अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया वाले तात्पर्य में भी ये बात वर्णन करते हैं। यू विल डेवलप द क्वालिटीज ऑफ दोज हुम यू सर्व एंड एसोसिएट विथ। तो उसी प्रकार एकादशी देवी का अगर हम संग करेंगे और एकादशी देवी की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करेंगे,
तो एकादशी देवी के हृदय के अंदर जो एकात्म सेवक का गुण है, वो उस गुण के कुछ बिंदु उठाकर हमारे पाषाण हृदय के अंदर प्रकट कर देती है। इसीलिए एकादशी व्रत ठीक प्रकार से संपन्न करना महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत हम लोग वेट लॉस के लिए नहीं करते, एकादशी व्रत हम लोग करते हैं जिससे कि एकादशी देवी के हृदय के गुण, जो कि एकात्म सेवक का भाव, वो हमारे अंदर प्रकट हो सके। तो इसलिए उत्सृज्य विनिवर्तन्ते ज्ञातय सुहृद सुताः अग्नौ प्रास्तम तु पुरुषम कर्मान्वेति स्वयं कृतम। विदुर जी विदुर नीति में कहते हैं कि आप अपने प्रयासों से इस भौतिक जगत में जितना भी प्रयास करो, आप कितने ही संबंध बनाओ, कितना ही धन कमाओ, कितने ही संपत्ति अर्जित करो, वो आपके साथ केवल शमशान भूमि तक ही चलेगा, वो सब लौट के आ जाएगा। उत्सृज्य, उत्सृज्य अर्थात दे विल गिव यू अप, आपको छोड़ देंगे, त्याग देंगे। विनिवर्तन्ते, त्यागेंगे और लौटेंगे, यू टर्न मार के आ जाएंगे, शमशान भूमि तक चलेंगे राम नाम सत्य है बोलते हुए, लेकिन उसके आगे रिटर्न। उत्सृज्य विनिवर्तन्ते, कौन कौन? ज्ञातयः अर्थात संबंधी रिश्तेदार, सुहृद हमारे मित्र बंधु बांधव, और सुताः हमारे पुत्र इत्यादि। ज्ञातय बंधव, ज्ञातय सुहृद सुताः, उत्सृज्य विनिवर्तन्ते। कब? अग्नौ प्रास्तम तु पुरुषम, जैसे ही मृत शव के मुख के भीतर अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। अग्नौ प्रास्तम तु पुरुषम, जैसे ही अग्नि से मृत शव जलने लगा, तब कामान्वेति स्वयं कृतम, उत्सृज्य विनिवर्तन्ते, ये लोग सब लौट जाएंगे और उस जीव के सूक्ष्म शरीर के साथ क्या चलेगा? केवल कर्म, कर्मान्वेति स्वयं कृतम, केवल उसके किए गए कर्म ही उसके साथ चलेंगे। अर्थात अपने कोटि कोटि जन्मों में किए गए कर्मों से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है कि हम संकल्पबद्ध होकर वैष्णवों को संतुष्ट करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने इस सुंदर उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब रात्रि के समय अगले दिन नित्यानंद प्रभु फिर उसी चट्टान के ऊपर बैठे हैं, वट वृक्ष के नीचे। सारे भक्तगण नित्यानंद प्रभु के पार्षद उनके चारों तरफ हैं। गंगा जी का तट है, पानीहाटी तीर्थ स्थान है। रघुनाथ दास गोस्वामी फिर नित्यानंद प्रभु के समक्ष आते हैं, प्रणाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु कहते हैं अपने अनुयायियों को, रघुनाथ दास के मन में कोई इच्छा हो तो वो व्यक्त करें। तो रघुनाथ दास जी उस समय उन अनुयायियों के माध्यम से नित्यानंद प्रभु के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। अधम पामर मोई जीव हीन जीवाधम, मोर इच्छा होए पाइय चैतन्य चरण। कहते हैं हे नित्यानंद प्रभु, मैं अधम हूं, पामर हूं और हीन, जीवों में सबसे अधम हूं। अधम पामर मोई हीन जीवाधम, हर प्रकार से अयोग्य होते हुए, हर प्रकार से पाप पूर्ण चेतना से युक्त होते हुए भी मैं अपने मन में एक महत्वाकांक्षा पाल के रखा हूं। वो क्या है? मोर इच्छा होए पाइया चैतन्य चरण,
कि मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों को कैसे प्राप्त करूं, इस इच्छा को मैंने पाल रखा है। वामन होइया ये न चांद धोरी बारे चाय, अनेक यत्न कैनु ताते कभू सिद्ध न है। और मैं भले एक वामन बटू की भांति ऊपर आसमान में चमकते हुए चंद्रमा को स्पर्श करने का प्रयत्न, कोई कहेगा एक हास्यास्पद प्रस्ताव है, लेकिन फिर भी अनेक अनेक प्रयत्न करके भी मैं अब तक विफल रहा। अनेक यत्न कैनु ताते कभू सिद्ध न है, कभी मैं इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया कि भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, ये अपने प्रयत्नों के ऊपर कुछ हद तक निर्भर है, लेकिन जब तक वैष्णवों की कृपा प्राप्त न हो, हम अपनी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। तोमार कृपा बिना ये न चैतन्य न पाए, तुम्हें कृपा कोयले तारे अधमे पाए। कि प्रभो, आपकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति के चैतन्य न पाए, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। और तुम्हें कृपा कोयले तारे अधमे पाए, आप कृपा करोगे तो हम जैसे अधम व्यक्ति भी महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए नित्यानंद प्रभु हो सकता है पूछे, अच्छा मैं आपके ऊपर कृपा करूं, आप इतने योग्यशाली हो क्या? अयोग्य मुहि निवेदन कोरी ते कोरी भय, मोरे चैतन्य देह गोसाई होइया सदय। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं अयोग्य हूं, और इस निवेदन को प्रकट करते हुए भी भयभीत हो रहा हूं, कोरी ते कोरी भय, लेकिन मोरे चैतन्य देह गोसाई, मुझे चैतन्य महाप्रभु का आश्रय प्रदान कीजिए हे नित्यानंद गोसाई, होइया सदय। और आप अपने हृदय के असीमित करुणा के सागर से प्रेरित होकर अगर आप मुझे ये अवसर देंगे तो ये संभव हो सकता है। मोर माथे पद धोरी करह प्रसाद, निर्विघ्ने चैतन्य पाइया करह आशीर्वाद। मोर माथे, मेरे माथे के ऊपर, मेरे मस्तक के ऊपर पद धरी अपने चरण कमलों को आप धारण कीजिए, स्पर्श कीजिए, करह प्रसाद और कृपा कीजिए। और ऐसा आप करोगे, आपके चरणों के रज का अभिषेक मेरे मस्तक पर होगा, निर्विघ्ने चैतन्य पाइया करह आशीर्वाद, तब बिना किसी विघ्न के, बाधा के, हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। जो अभिलाषा, महत्वाकांक्षा अनेक अनेक वर्षों से अपूर्ण रही, वो केवल आपके श्लेष स्पर्श मात्र से संभव हो सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो जब व्यक्ति अपने अहंकार से प्रेरित होकर भगवान और वैष्णवों की सेवा में आनाकानी करता है, तो सबसे पहला तो इसमें 7-8 बड़े अच्छे मुद्दे हैं। पहला ये कि जब कोई व्यक्ति जिद करे कि नहीं, हम परिवर्तित नहीं होंगे, हम परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो इसको कहते हैं जिद, नो चेंज एंड आर्ग्यूमेंट, स्टबर्ननेस। दूसरा, अगर ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का ही संकल्प करे, दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन कैन क्रिएट डिस्ट्रक्शन एंड एनवी। अगर इस प्रकार का विपरीत संकल्प करे, उसके अंदर द्वेष पैदा करेगा। तीसरा, समटाइम्स सच अ डिवोटी बिकम्स ऑब्सेस्ड
overwhelmed with his own plans and doesn't consider the consequences. अपनी योजनाओं से व्यक्ति इतना आविष्ट हो जाता है कि विचार नहीं करता कि अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसका परिणाम क्या होगा. चौथा, वो अन्य किसी भी व्यक्ति के बातों में नहीं आ पाता. ही कैनॉट बी कन्विंस्ड विथ लॉजिक रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज. कोई भी तर्क हो, कोई भी निवेदन हो या कोई भी समझौता करने का प्रयत्न विफल होता है. पांचवा, जब ऐसा भक्त मन में ये विचार करे कि हाँ चलो भाई मैं अपने इस भावनाओं को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ और इंस्ट्रक्शंस या जो कुछ भी आदेश दिया जा रहा हो उसको पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ, विचार तो करता हूँ. सो दिस सबमिसिव सबॉर्डिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जब तक विनम्रतापूर्वक हम स्वीकार करने के लिए तैयार न हो परिवर्तन संभव नहीं. और तब ऐसा व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है और फिर उसके मन में संशय हो तो वो संशय समाधान कर सकता है. ही कैन एक्सप्रेस हिज कंसर्न्स, ही कैन एक्सप्रेस. और तब जब वो सकारात्मक भाव के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करे तब सातवां, कृष्ण ऐसे भक्त को बुद्धि देते हैं, प्रेरणा देते हैं और उचित उपाय बताते हैं. कृष्णा गिव्स सच अ डिवोटी इंस्पिरेशन, इंटेलिजेंस एंड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू सी द बिग पिक्चर. कि हाँ भाई ये जो आदेश मुझे मिल रहा है, निवेदन किया जा रहा है, ये संपूर्ण दृश्य के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत सही बैठता है. क्योंकि मैं तो केवल अपना यहां से यहां तक देख पा रहा हूं लेकिन ऊपर से जो दृश्य है उसमें समझ रहा है कि आगे चलकर ये मार्ग कहां जुड़ेगा. तो इसलिए जो चींटी अपने पजल के अंदर घूम रहा है उस चींटी को समझ में नहीं आता कि राइट लो लेफ्ट लो, लेकिन ऊपर से जो व्यक्ति चींटी को देख रहा है उसको समझता है कि हाँ यहाँ वो चलेंगे तो यहाँ पर बाधा है, इसलिए उनको यहीं पर मुड़ना आवश्यक है. तो इसलिए जब हम समझने लगते हैं कि हाँ ऊपर से जो हमें संकेत मिल रहा है वो वास्तव में हमें भविष्य के यात्रा सफल करके भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए उचित उपाय है, देन कृष्णा इज प्लीज्ड, देन ही गिव्स द इंस्पिरेशन, इंटेलिजेंस एंड द इंफॉर्मेशन. और तत्पश्चात आठवां ये कि द स्टबर्न एटीट्यूड विच वी हैव विल डिप्राइव अस ऑफ द बेटर अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा थी कि मैं तो तभी जब महाप्रभु शांतिपुर में थे शांतिपुर से ही महाप्रभु के साथ निकलने के लिए तैयार थे. ये लगभग 1515 की बात है. 1514 में महाप्रभु पहुंचे थे बंगाल में, 1515 तक रहे और उसी समय वो निकलने के लिए तैयार थे. अब 3 साल पूरे हुए, अब 3 साल के बाद रघुनाथ दास बेचैन हो रहे हैं, अभी तक उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई. लेकिन क्योंकि उस समय महाप्रभु ने उनको कहा था स्थिर हो जाओ, जे छले से काले कृष्ण स्फुराबे तुम्हारे, हाँ कृष्ण कृपा जारे तारे के राखी ते पारे. महाप्रभु ने उनको शब्दों से सांत्वना दी थी, कृष्ण संकेत करेंगे अभी मत आना, जब मैं वृंदावन से लौट के आऊंगा तब आना. तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास की योजना को बदल दी थी लेकिन रघुनाथ दास धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थे और अब वो बारंबार आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु से. तो न केवल नित्यानंद प्रभु के या गुरु के चरणों का आश्रय लिया, दूसरा नित्यानंद प्रभु और गुरु के इच्छा के अनुसार वैष्णवों की सेवा की, वैष्णवों को संतुष्ट किया, उनके आशीर्वाद के भागी बने.
उसके पश्चात सभी वैष्णवों के समूह में हरिनाम संकीर्तन में भाग लेकर प्रसाद स्वीकार किया, महाप्रभु के अवशेष को प्राप्त किया। तत्पश्चात अब फिर नित्यानंद प्रभु के समक्ष जाकर वो अपने इच्छा और हृदय की अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं विनम्रतापूर्वक, और उस इच्छा को प्रकट करने के बाद प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु क्या कहेंगे। सुनिहा से कहे प्रभु सब भक्तगण, इहार विषय सुख इंद्र सुख सम। जब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास के इन संकल्पनाओं को सुना कि अयोग्य मुई निवेदन करिते कुरी भय, मोरे चैतन्य देह गोसाई हुईया सदै, महाप्रभु को मुझे प्रदान कीजिए, तो इसको सुनकर सुनी हासी कहे प्रभु, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस बात को, इस प्रस्ताव को सुनकर हंसे मुस्कुराए और सब भक्तगण सभी भक्तों को क्या कहने लगे, इहार विषय सुख इंद्र सुख सम, कि इसका जो विषय सुख है, इसके पास जो भौतिक भोग करने के लिए साधन है वो इंद्र के समान है, और इसलिए इतना सब विषय भोग रख के भी देखो क्या इसकी अभिलाषा है और क्या निवेदन कर रहे हैं, ये कैसे संभव है। चैतन्य कृपाते सेह नाही भाए मने, सबे आशीर्वाद कर पाऊ का चैतन्य चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इन पर है, चैतन्य कृपाते, और इसका क्या प्रमाण है, व्हाट इज अ प्रूफ। चैतन्य कृपाते सेह नाही भाए मने, इस सभी प्रचंड भौतिक ऐश्वर्य के प्रति इनकी स्वाभाविक विरक्ति है, नहीं तो इंद्र के जैसे इस ऐश्वर्य को देखकर कौन व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा और इस विषय में आविष्ट नहीं होगा। चैतन्य कृपाते सेह नाही भाए मने, बिल्कुल विरक्त हो गए हैं क्योंकि महाप्रभु की कृपा है, इसलिए सबे आशीर्वाद कर पाओ का चैतन्य चरणे, सब आशीर्वाद कीजिए जिससे इन्हें महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त हो जाएं। कृष्ण पाद पद्म गंध जे जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। कृष्ण पाद पद्म, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सुगंध को जिसने स्वीकार कर लिया, जय जन पाए, जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। ब्रह्मलोक इत्यादि के भी भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करके उसके प्रति उसका अनुराग नहीं, आकर्षण नहीं, स्वाद नहीं, अर्थात भौतिक विषयों के प्रति जो स्वाद या आशा अभिलाषा इच्छा समाप्त होना, ये वास्तव में श्री कृष्ण और महाप्रभु की कृपा का प्रमाण है। भौतिक विषयों का नाश नहीं, उस भौतिक विषय के प्रति आशा, उस भौतिक विषय को भोग करने की इच्छा जब वो समाप्त हो जाए, ये वास्तव में महाप्रभु की कृपा का लक्षण है। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। तो ऐसे भौतिक सुख के प्रति उनकी विरक्ति हो जाती है। यो दुस्त्यजाम दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृश जहौ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालस। जिस प्रकार भरत महाराज ने अपने यौवन संपन्न अवस्था में हर प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य को छोड़ दिया,
और वन में चले गए। क्यों? उत्तम श्लोक लालस, क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति की लालसा उनकी तीव्र हो गई। तो इसलिए इस भौतिक जगत में किसी कार्य को सफल करना हो तो तीन बातें आवश्यक होती हैं। यू वॉन्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, फर्स्ट अनयूजुअल एबिलिटी, बड़ा अद्वितीय आपकी कला या आपका जो पुरुषार्थ होना चाहिए। दूसरा एक्सेप्शनल जील या अभूतपूर्व उत्साह, अथक प्रयास। और तीसरा कैपेसिटी फॉर परसिवरेंस, निरंतर प्रयत्नशील रहने का, निरंतर प्रयत्नशील रहने की क्षमता। तो इसी भाव को अगर हम आध्यात्मिक जगत में लेके आते हैं तो आध्यात्मिक जगत में भले आपके अंदर कोई विशेष कला न हो, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी भले न हो, लेकिन केवल इच्छा हो और हम ऐसे भक्त के, ऐसे वैष्णवों के समुदाय में रहकर उनके छत्र छाया में हो, तब क्या होता है? तब हम अपनी इच्छा की पूर्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में कर सकते हैं। सो ट्रस्टवर्दी गाइडेंस अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा देनी हो और शिक्षा गुरु बनना हो, ऐसे शिक्षा के प्रति हम कब श्रद्धा रख पाते हैं? जब चार बातें हो। पहला, व्हेन देयर इज अ सिनर्जी बिटवीन वर्ड्स एक्शंस एंड थॉट्स। जो व्यक्ति हमें गाइड कर रहा हो, जैसे रघुनाथ दास की नित्यानंद प्रभु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी, महाप्रभु के प्रति भी पूर्ण श्रद्धा थी। क्यों? बिकॉज ही सॉ सिनर्जी बिटवीन द वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन। उनके शब्दों में, विचारों में और उनके कार्यों में एक समन्वय देखा। दूसरा, अनइंटरेस्टेड इन पर्सनल सेल्फिश गेन। उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु का अपना कोई निजी हित नहीं था। तीसरा, फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन अदर्स। जो उनके ऊपर अधीनस्थ हैं, उनके वास्तविक आध्यात्मिक गुणों को प्रकाशित करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, ऐसे गुरुजन। चौथा, दो एंडाउड विथ पावर दे यूज इट टू सर्व द पीपल दे लीड। हर प्रकार के शक्ति से संपन्न होते हुए भी उस शक्ति का प्रयोग वो दूसरों को आगे बढ़ाने में उपयोग करते हैं, अपने अहंकार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। तो इसलिए अब रघुनाथ दास वहां से निकल पड़ते हैं विचार करते हुए कि चलो अब हम अवसर ढूंढते हैं। ये 1517 की बात है। और तब एक दिन यदुनंदन आचार्य आए और वो कहने लगे कि हमारे यहाँ पर जो पुजारी था वो चला गया, जाने की इच्छा कर रहा है और उसको समझाने वाला कोई चाहिए। रघुनाथ दास कहते मैं समझाता हूँ जिससे कि वो ना जाए, आपकी पूजा करे। रात्रि का समय था, रघुनाथ दास यदुनंदन आचार्य के साथ जाते हैं और उनको कहते हैं आप जाइए, मैं उस पुजारी को समझा कर अपने घर जाता हूँ। यदुनंदन आचार्य चले गए और रघुनाथ दास जी जब गए, सीधा वहां से अवसर पाकर भागे। श्री चैतन्य नित्यानंद चरणे चिंतिया, पथ छाड़ी उप पथे जाये न धाइया। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए पथ छाड़ी, उस मेन मार्ग को छोड़कर उप पथे, दूसरे मार्ग पर जाये न धाइया, भागते चले गए। ग्रामे ग्रामे पथ छाड़ी याए बने बने, काय मनोवाक्य चिंते चैतन्य चरणे। तो जो वास्तविक मार्ग था उस ग्राम के मार्ग को छोड़कर याए वने वने वन के मार्ग में भागने लगे। क्यों? काय मने वाक्य चिंते चैतन्य चरणे।
उनको कोई भी बाह्य अनुसंधान नहीं था, काय मन वाक्य में केवल चिंतन कर रहे थे महाप्रभु के चरणों को। भक्तों के जीवन में भक्ति कार्य करते हुए उत्साह क्षीण कब होता है, मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न कब उठते हैं, जब हमारे नेत्रों के समक्ष लक्ष्य स्पष्ट न हो तो। जब लक्ष्य, कोई भी कार्य का लक्ष्य स्पष्ट दिखता है और ऐसा लगता है कि हम इस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं, तब उसके परिणाम स्वरूप हम प्रेरित होकर प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लगता है कि हाँ भाई पहुंचा जा सकता है, संभव है। तो इसलिए जब हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं और प्रेमा भक्ति के प्रयत्न में हम कार्य आरंभ करते हैं, तो दूर दूर तक न प्रेम दिखता है, न कृष्ण दिखते हैं, न कुछ दिखता है, क्योंकि हम लोग कार्य करते रहते हैं लेकिन हमारे मानसिक चिंतन कृष्ण के ऊपर साध्य नहीं होता। तो इसलिए काय मनो वाक्य चिंते चैतन्य चरणे, चिंतन बड़ा आवश्यक है, और जब तक हम लोग चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम लोग भक्ति के मार्ग में आगे उत्साह नहीं बनाए रख सकते। भोक्षण अपेक्षा नहीं समस्त दिवस गमन, क्षुधा नहीं बाधे चैतन्य चरणे प्राप्ति मन। भक्षण अपेक्षा नहीं, उनको किसी प्रकार के भोजन की अभिलाषा नहीं थी, समस्त दिवस गमन, पूरा दिवस चला गया, हाँ, और केवल उनके मन में क्या था, क्षुधा नहीं बाधे, भूख उनके लिए बाधा नहीं थी, चैतन्य चरण प्राप्ति मन, मन में केवल बारंबार एक ही गूंज उठ रही थी, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करना है, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करनी है, महाप्रभु का संगलाप प्राप्त करना है, और इस महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने की गूंज उनके मन को हर प्रकार के अन्य इंद्रियों के द्वारा प्रेरित ध्वनि से पूरी तरह अनासक्त कर दिया था। उनके मन में केवल महाप्रभु का विचार चल रहा था। तो इसलिए कहते हैं द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ पेशेंस इज परसिस्टेंस। धैर्य होता है कि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूसरा बारंबार प्रयत्न करते रहना, प्रयत्न को बनाए रखना, लेकिन अगर विफल हो तो हतोत्साहित न होना, इसको कहते हैं परसिस्टेंस, अर्थात संकल्पबद्ध प्रयास। तो इसलिए धैर्य और संकल्प में थोड़ा अंतर है। धैर्य अर्थात प्रयास किया, कुछ हुआ नहीं, प्रतीक्षा किए, और फिर दूसरा प्रयास आरंभ ही नहीं किए, तो अपने आप अपने गोद में नहीं टपकने वाला, फिर प्रयत्न करना है। देयरफॉर द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ पेशेंस इज परसिस्टेंस, एंड पेशेंस इंप्लाइज वेटिंग फॉर थिंग्स टू इंप्रूव ऑन देयर ओन। धैर्य का अर्थ है कि हम प्रतीक्षा करते रहें कब परिवर्तन होगा। जैसे कई चीजें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, आप सोच रहे हैं कि अगर इतनी वर्षा हो रही है, वर्षा ऋतु बदले, तब उसके लिए तो बैठ के बस प्रतीक्षा ही करनी है। बट परसिस्टेंस इंप्लाइज कीपिंग योर हेड डाउन एंड कंटिन्यूइंग टू वर्क व्हेन थिंग्स टेक लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट। परसिस्टेंस या संकल्पबद्ध प्रयास अर्थात निरंतर प्रयत्न करते रहें, भले हमने जो अपेक्षित फल विचार किया था उसके आने में कुछ समय हो, लेकिन हम प्रयत्न को बनाए रखें। सो फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन बट स्टेइंग डाउन। विफलता का अर्थ ये नहीं कि हम स्खलित होकर
धरती को चूम लें, लेकिन विफलता का अर्थ है कि स्खलित होकर अगर हम धरती को चूम भी लें लेकिन अगले ही क्षण बड़े फुर्ती और तीव्रता के साथ उठकर फिर अपने पाद चाप को उसी धरती पर रखें। भूमौ स्खलित पादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। भूमि पर चलते हुए अचानक किसी का पाद स्खलन होकर वो धरती पर गिर जाए, भूमौ स्खलित पादानां, अब उसको उठना हो तो किसका अवलंबन करेगा? भूमिरेवावलंबनम्, उसी भूमि का आश्रय लेकर ही उठना है। अगर सेवा करते हुए विफलता हो गई, मन उदास हो गया या किसी वैष्णव के साथ अनबन हो गई, भूमौ स्खलित पादानां, और मन में विचार आता है अरे कितने महत्वाकांक्षाओं के साथ हम वैष्णव सत्संग में आए थे, क्या क्या संकल्प के विशाल इमारत बांध कर हम आए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है। लेकिन अगर मन में वो आशा निराशा के रूप में परिवर्तन होने का चिन्ह दिखाए, भूमिरे वावलंबनम, जिस सत्संग, जिस वैष्णव संघ, जिस हरिनाम संकीर्तन, जिस भक्ति के मार्ग में हम लोग चोट खाए हैं, उसी का आश्रय लेना है। क्योंकि जब हम लोग इस्कॉन में आए हैं, भक्तों के संग में आए हैं, किससे आकर्षित होकर आए हैं? भक्तों से आकर्षित होकर भक्तों के संग में आए हैं। और भक्तों के संग में सबसे अधिक पीड़ा भी जब होती है, किसके कारण होती है? भक्तों के ही कारण वो पीड़ा भी होती है। तो फिर उससे उठना हो तो उपाय क्या है? छोड़ के चले जाए? नहीं, फिर पुनः प्रयत्न करना है उन्हीं भक्तों का एक भिन्न दृष्टिकोण से संग करने का, प्रयत्न करने का। भूमौ स्खलित पादानां, तो इसलिए कहते हैं ना, अगर अपराध युक्त जप हो रहा हो तो अपराध से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है? जप करना छोड़ दो। नाम अपराध किसका होगा? जो हरिनाम लेगा उसी का तो अपराध होगा। जो हरिनाम छोड़ दिया उसके जीवन में कोई अपराध है क्या? कोई है ही नहीं। तो इसलिए अगर बोलो कि वैष्णव अपराध से मैं मुक्त होना चाहता हूं, अर्थात वैष्णव का मुंह ही नहीं देखूंगा, नहीं। तो इसलिए योर एक्शंस आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर थॉट्स, योर थॉट्स आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट यू हियर एंड कंज्यूम, एंड व्हाट यू हियर एंड टेक इन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एसोसिएशन। अर्थात जैसा आप संग करोगे वैसे विचार आप सुनोगे, और जैसे विचार आप सुनोगे वैसे आपके मन के विचार प्रकट होंगे। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक संग को हमें चुनना है। और इसलिए जब त्रेता युग में ऋषि मुनियों ने देखा कि भक्त लोग आपस में कलह करना आरंभ किए, तो इसलिए त्रेता युग में ऋषि मुनियों ने विग्रह की स्थापना की। बोले कि ये नियोफाइट डिवोटी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को छुरी भोंकते हैं वाणी से, अपरिपक्व मस्तिष्क के कारण, क्योंकि जानते नहीं कि कैसे आदान प्रदान करना है। तो इसलिए जितना नियोफाइट दूसरे नियोफाइट के साथ आदान प्रदान करेगा उतना अधिक फाइट करेगा। इसलिए नियोफाइट दूसरे नियोफाइट के साथ फाइट न करे, वो भगवान की पगड़ी को टाइट करे। इसलिए अर्च विग्रह की स्थापना की गई है, जिससे कि अधिक से अधिक समय 24 घंटे में उस नियोफाइट का भगवान के साथ जाएगा, तो क्रोधित होने का, क्रोध व्यक्त करने का अवसर कम है। हाँ, जो स्केड्यूल में उसको लगा देता है शायद उसके ऊपर क्रोधित हो जाए, लेकिन ऑल्टर के अंदर घुसने के बाद बेचारे बड़े प्रसन्न मुख से स्वागत करते हुए राधा रानी वृंदावन बिहारी महाप्रभु, उनके ऊपर कौन क्रोध करेगा? तो फिर इसीलिए डीटी वर्शिप बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत का श्रवण, फिर समय मिले
वो करें, है कि नहीं। तो ये सब करने के बाद जब मस्तिष्क चित्त शुद्ध हो जाए, तब फिर जब दूसरे भक्तों के साथ हम कृष्ण भावना भावित चर्चा करें, तब वैष्णव संघ के असली जो शक्ति है उसका हम अनुभव करेंगे। अगर गन्ने का जूस बनाने का मशीन केवल यूं ही चलता रहे तो केवल आवाज ही करेगा, जब तक गन्ना अंदर नहीं डालोगे उसमें से गन्ने का रस कैसे निकलेगा। तो हम लोग गन्ने के मशीन को ऑन करके खड़े होकर देख रहे, बोले यार 2 घंटा हो गया एक बूंद नहीं निकला, बेकार है, बेवकूफ बनाया मुझे। तो बोले भैया सबसे इंपॉर्टेंट एक आइटम रह गया है, क्या? गन्ना। वो जब तक वो नहीं डालोगे तब तक रस कैसे निकलेगा। वैसे 4 भक्त आपस में मिलकर ये चर्चा न करें अगला पिक्चर कौन सा देख के आते हैं। एक बार भक्त लोग यूरोप में आरंभ के दिनों में संकीर्तन बस लिए और रात भर गायब थे, तो प्रेसिडेंट घबरा गए। अगले दिन आए, बोले कहाँ गए थे, बोले नाइट शो देखने गए थे। तो बोले यार नाइट शो पिक्चर का देखने गए थे, बोले यार नया नया पिक्चर निकला है, बहुत अच्छा है, सुना इतिहास का संबंध है इसमें, ऐसे माया नहीं है, वेरी नॉलेजेबल। तो वो हम लोग देखने गए थे, तो प्रेसिडेंट बोला अरे यार मंदिर का संकीर्तन बस लेके तुम लोग माया में गए। बोले लेकिन हम लोग सब संघ में थे, हम लोग सब एक साथ थे, सब तिलकधारी थे, धोती में थे, हम लोग सब एक ही साथ में थे। तो इसलिए केवल मशीनरी होने पर कुछ नहीं होता, वो मशीन के अलग अलग पुर्जे, उनके बीच अगर गन्ना ना डालो तो मीठा रस नहीं निकलेगा। उसी प्रकार 4 तिलकधारी आकर राजनीति की चर्चा करें, हर प्रकार के दूसरे किसी परिस्थिति की चर्चा करें, आधुनिक विश्व की घटनाओं की चर्चा करें, उसका विश्लेषण करें, तो उसके आधार पर भक्ति के मिठास का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर यह वर्णन किया जा रहा है। और इसलिए हमें चाहिए कि अपने 24 घंटे को बहुत ध्यान पूर्वक देखें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो क्या? नीडलेस कमिटमेंट्स, अनवांटेड कमिटमेंट्स कैन वेस्ट योर टाइम मोर देन नीडलेस पोजेशंस। आपके कोई वस्तु हो वो आपका इतना हानि नहीं कर सकता जितना आप गलत तरह से कहीं कमिटमेंट कर दो समय का। सो नीडलेस कमिटमेंट इज मोर डेंजरस देन नीडलेस पोजेशन, क्योंकि कुछ आपको अनावश्यक वस्तु आ गई वो चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन आपने कहीं कमिटमेंट कर दिया, हाँ मैं आपको मिलूंगा, यहां पर ये कार्य हम लोग करेंगे, चलो, और वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तो वास्तव में वो अनावश्यक वस्तु से ज्यादा खतरनाक है। आपने वो जो टाइम का कमिटमेंट दे दिया वहां पर। पोजेशंस कैन बी इग्नोर्ड बट कमिटमेंट्स आर अ रिकरिंग डेट, एंड दोज कमिटमेंट्स हैव टू बी पेड विथ योर टाइम एंड योर अटेंशन। तो आपको समय देना पड़ता है, आपने कमिटमेंट दिया है, और दूसरा आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, तो आपका अटेंशन और टाइम दोनों उसमें इन्वेस्ट होता है। और फिर सब होने के बाद आपको लगता है अरे यार ये तो अपने भक्ति के लिए अनुकूल नहीं था, ये कमिटमेंट नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द रिस्क यू टेक and your survival depends on the risks you avoid। तो इसलिए आपको कुछ सफल कर होना हो तो हो सकता है आप कुछ विचार करें और कुछ प्रयत्न करने का प्रयास करें, लेकिन आपको अगर अपने भक्ति को बनाए रखना है तो किन विनाशकारी कार्यों को हम न करें और उससे दूर रहें, ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए एक है अर्थ प्रवृत्ति, दूसरा अनर्थ निवृत्ति। क्या करना है अनुकूल और क्या है प्रतिकूल, तो ये दोनों की
दोनों का विचार मन में होना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार मन में श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए चल रहे थे, भाग रहे थे। श्री चैतन्य नित्यानंद चरणे चिंतिया, पत छाड़ी उपपथे जाजे न धाइया। और भागते हुए 12 दिन में बंगाल से आदि सप्तग्राम से जगन्नाथपुरी पहुंचे, 12 दिन। और खाने के लिए उनको उस 12 दिन में केवल 3 दिन थोड़ा बहुत कुछ जो है चना वना यहाँ वहाँ मिल गया उनको, 3 दिन केवल कुछ खा पाए, 9 दिन कुछ नहीं खाए। लेकिन उनके मन में महाप्रभु को प्राप्त करने का वो आवेश था। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन की स्थापना करने के बाद, नाउ इट इज टाइम टू बॉइल द मिल्क। अर्थात कैसे प्रैक्टिसिंग डिवोटीज को, साधकों को अपने मन में कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का ऐसा जुनून तैयार करें, ऐसी इच्छा तैयार करें, और कैसे उनको साधना भक्ति के इस मार्ग में तीव्र बनाए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो इसलिए अगर हमारे आचार्यों के और पूर्व भगवान के शिक्षाओं का अगर आप मापदंड देखो और उस मापदंड के अनुरूप हम प्रयत्न ही न करें और अभिलाषा ही न करें, तो कुछ समय के पश्चात हमें अपने ही आचार्य और भगवान की ही वाणी निरर्थक लगने लगेंगी। इट विल साउंड इररेलेवेंट बिकॉज वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू हैव आवर एम्बिशंस फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ दोज एम्बिशंस। फिर हमको लगने लगेगा हम कहां पर आ गए यार। तो इसलिए उन अभिलाषाओं को मन में पालना आवश्यक है और उसके अनुरूप अपने भक्तिमय कार्यों को बनाना आवश्यक है। बहुत बड़ा विज्ञान है और इस विज्ञान में अगर कोई भी त्रुटि हुई, जैसे एयरप्लेन अगर निकलता है अमेरिका से, 1 डिग्री अगर वो टेल अवीव के लिए जा रहा हो, 1 डिग्री अगर वो चेंज हो जाए उसका डायरेक्शन, वो सीधा मॉस्को पहुंच जाता है। तो वैसे ही भक्ति की ये सारी प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट है और सटीक है, और उसमें अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कोई दूसरा ही अनुभव हम करने लगेंगे और भ्रमित हो जाएंगे कि अरे कहाँ गया यार, भक्ति कहाँ गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अब जब पहुंचे 12 दिन के बाद महाप्रभु के पास, श्री चैतन्य महाप्रभु की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही, और वैराग्य से संबंधित महाप्रभु ने उनको क्या क्या शिक्षाएं दी, इसके विषय में हम लोग अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। और अगले सप्ताह भक्ति विनोद ठाकुर का भी आविर्भाव दिवस है, और अगले रविवार को संध्याकालीन हम लोग एक भजन संध्या आरंभ करेंगे, शरणागति, संध्याकालीन 7 से 8:30 के बीच महीने में एक आध बार, जिसमें हम लोग ठाकुर भक्ति विनोद जी और बाकी आचार्यों के वैष्णव गीत को हम लोग प्रस्तुत करेंगे, हमारे जय सच्चिदानंद प्रभु, वृंदावन प्रसाद प्रभु और बाकी भक्त लोग अभ्यास करके आएंगे, और एडवांस में आपको सारे भजन आपको जो है व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे, जिससे कि हम लोग इन आचार्यों के आकांक्षाओं को मन में विचार करें, स्मरण करें, और तब जाकर हम भी अपनी इच्छाओं को इसके अनुरूप ढाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। टैगोर प्रेमानंदी।